चांदी के दिल बड़ा पागल है। फूलों को देख देख के देख इधर एक नजर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एसटीजेड प्रोडक्शन की जानिब से मैं शबीर और तनवीर, और कभी मैं प्रोग्राम करता हूँ अकेला जब ये ना हो, और हम ये इकट्ठा भी करते हैं क्योंकि हमने फिल्में भी इकट्ठी देखी हैं। हमें पता है कि कौन कौन से हमने हीरो को देखा था और कौन कौन से हमारे हीरो पसंद थे। हमें तो ज़्यादातर सब ही पसंद थे। और नाजरीन, आज हम जो प्रोग्राम लेके आ रहे हैं वो है हमारे 6 हीरो हैं और जिनके ऊपर सबके गाने फिल्म बंद हुए हैं, जितने भी सिंगर हैं। और इन हीरो में सुपरस्टार थे 3, इनमें है मोहम्मद अली साहब, वेदनाथ साहब, नदीम साहब, उसके बाद आते हैं गुलामुद्दीन साहब, शायद साहब और आसिफ खान साहब। ये 6 हमारे बहुत ही जो 70 के हीरो जिसको कहा जाता है ना, जो क्योंकि 70 से ले के 80 तक फिल्में सबसे टॉप पे रही हैं, और 1975 में जो फिल्में बनी थी वो 125 फिल्में साल में बनी थी सबसे ज़्यादा, और इतना उस वक़्त हर हीरो बिजी था। उर्दू में देख लें, सुपरस्टार थे 3, वो बिजी थे, मोहम्मद अली, शाहिद और नदीम, और चारों थे ये मोहम्मद अली, शाहिद, नदीम और वैजनाथ साहब। उसके बाद गुलामुद्दीन साहब भी 75 में आ गए थे, उनकी मेरा नाम मोहब्बत उनकी फिल्म आ गई थी। ये सब हीरो, ये 5 जो थे, फिर आसिफ खान साहब आ गए एक्शन मूवीज में, एक्शन में वो भी आ गए, और उनके वो भी बहुत अच्छे लगते थे। बदमनीर साहब थे उनके साथ, और सुल्तान रही साहब पंजाबी में थे, यूसुफ खान साहब पंजाबी में थे, और सदीर साहब थे, और बाकी जो हबीब थे और इकबाल हसन साहब थे, ये पंजाबी के थे। 2-3 कॉमेडियन भी थे। अच्छा, कॉमेडियन थे हमारे मुनव्वर ज़रीफ साहब थे और रंगीला साहब थे, सबसे जो टॉप पे थे नन्ना, क्योंकि नन्ना अली जाज 80 में आए थे, उस वक्त ये एक्स्ट्रा करते थे। हाँ ये ना रोल नन्ना, और ये, और ये हमारे देखो हर बंदा बिजी था, हर इलाकाई जुबान की जो पश्तो फिल्में बनती थी। बदमनीर साहब बिजी थे, आसिफ खान साहब पश्तो में भी थे, उर्दू में भी, पंजाबी में भी, तीनों फिल्मों में। मूवीज देखने जाते थे, कितना रश हुआ करता था। ओह, मतलब सोच सकते हैं कि जो वाली होती थी सीटें होती थी, उनके अलावा एक्स्ट्रा बेंच, एक्स्ट्रा हम बेंच पे बैठा करते थे, नीचे बैठ के भी देखी है कई बार, नीचे बैठ के दरवाजे के साथ बैठ के देखते थे। हाफ टाइम होता था, हम फौरन बाहर निकल जाते थे। बिल्कुल, और क्या माहौल था, क्या दौर था नाजरीन। उस दौर के गाने मशहूर हुए थे और उस दौर के एक्टर, बिल्कुल। उसके बाद कोई, अब क्या कचरा है, क्या देखने हम जाते हैं। इसलिए हम फिल्म देखने गए थे, 4 बंदे थे, और हमें वहां पे, हम बार बार आते थे ब्लैकमेल फिल्म पे, मैंने आपको बताया था, वगैरह टिकट ही नहीं मिलते थे, बार बार जाते थे। नाजरीन, आज हम सबसे पहले मोहम्मद अली साहब पर एक गाना फिल्म बंद हुआ था, अंबर फिल्म का, और मेरी ये नदीम साहब की पहली फिल्म थी जो मैंने देखी थी, अंबर, और ये शबस्तान सिनेमे पर मैंने देखी थी रावलपिंडी के। और उसी दिन मैं स्कूल से भागा था, मैंने ससुराल फिल्म देखी, और शाम को मैं 3 से 6 अंबर फिल्म देखने चला गया शबस्तान पे, और बस्ता मैंने उठाया हुआ, मोहल्ले में सब घर में मुझे देखते रहे। नाजरीन, वो फिल्म मैंने नदीम साहब की, उसमें है तो कॉमेडी थी, वो ट्रेजडी फिल्म नहीं थी ये, उसमें मोहम्मद अली साहब का बहुत अच्छा किरदार था, क्योंकि वालद का किरदार था। मोहम्मद अली साहब की पर्सनैलिटी भी ऐसी थी, वो बहुत अच्छे वालद लगते थे, चाहे वो नदीम साहब के वालद हों, चाहे वो उनका कद काट या उनको जब बुजुर्ग बना देते थे, चाहे वो बाबरा शरीफ साहबा के वालिद हों, और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक थे मोहम्मद अली साहब, एज ए इंसान भी बहुत अच्छे थे वो। और नाजरीन, उन पर एक गाना था, फिल्म का पहला गाना था, ठहरा है समा हम तुम है जहां, और ये गाना गाया था मेहदी हसन खान साहब ने। देखा जब से तुम्हें पूरे हुए गीत मेरे, और इस गाने के जो मौसीकार थे रोबन घोष साहब थे, और इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो थे नजरुस्सलाम साहब, दादा, जिनको दादा कहते थे नजरुस्सलाम साहब की। इससे पहले आयना फिल्म चल चुकी थी, फिर इसके बाद बंदिश आई थी। और नाजरीन, ये गाना आप सुनिए, और इनके साथ है अदाकारों में मोहम्मद अली साहब और
दीपा साहबा पर ये फिल्म बंद हुआ है, रोमांटिक गाना है क्योंकि सेज का गाना है, शादी होती है उनकी, और ये गाना मोहम्मद रिज साहब ने बहुत अच्छा फिल्म बंद कराया। मोहम्मद अली साहब से ज्यादा जो एक्सप्रेशन दिए थे वो दीपा साहबा ने बहुत अच्छे दिए थे, मुझे दीपा साहबा बहुत अच्छी लगती थी, मैं तो उनको यही कहता था कि वो रोमांटिक में वैद्यनाथ साहब थी, लेडीज में एक्ट्रेस में। एक्सप्रेशन अच्छा। हाँ नाजरीन ये गाना आप सुनिएगा, उसके बाद हम आपको अगला गाना सुनाते हैं। ठहरा है समा, हम तुम हैं जहां। जी नाजरीन अगला गीत पेश खिदमत है, खामोश है नजारे एक बार मुस्कुरा दो। खामोश है नजारे एक बार मुस्कुरा दो। शबनम साहबा और वही इमराज साहब पर फरमाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत गीत है ये। ये बाहर हंसना हमें सिखा दो। इस फिल्म के हिदायतकार थे फरीद अहमद साहब और इसको गाया था मेहंदी हसन खान साहब ने। पड़े रहेंगे ये पर्वतों की राह। बड़ा मशहूर गाना हुआ था रेडियो पे, अक्सर लगता रेडियो पे भी, और हम जब भी अभी भी सुनते हैं ये बहुत ही अच्छा गाना है, और वादियों में है वो, आउटडोर शूटिंग है स्वाद की तरफ, ये सारे बड़े बड़े नॉर्मल लाइट से मूड में जिस तरह उनका स्टाइल होता है। एक बार मुस्कुरा दो। नाजरीन अगला गाना है, सोना न चांदी ना कोई महल जाने मर तुझको मैं दे सकूंगा। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन तुझको मैं। और बहुत ही खूबसूरत गाना ये इखलाक अहमद साहब ने गाया है, और सदाबहार गाना, सदाबहार ये हम हर वक्त यही सुनते थे रेडियो पर भी टेप में भी। छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। और इखलाक अहमद साहब ने क्या इसके बोल और क्या इसकी शायरी देखी ना। और नाजरीन ये फिल्म बंदिश का गाना है। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन। और इस ये गाना गाया था इखलाक अहमद साहब ने, और अदाकारों में आपको नजर आएंगे स्क्रीन पर शबनम साहबा और नदीम साहब। गर्मी में जाके पहाड़ों पे हम गीत गाया करेंगे। और नदीम साहब ने बहुत ही अच्छा फिल्म बंद करवाया गाना, और ये वहां पर इंडोनेशिया मलेशिया में ये फिल्म बनी है बाहर की। और नाजरीन इस फिल्म के हदायतकार भी नजरुल इस्लाम साहब थे, और इस के फिल्म के जो मुसीकार थे रोबन घोष होते थे इनके, तो रोबन घोष वो तो रोबन घोष साहब इनके नजर इस्लाम के साथ वही थे, वही होते थे। और नदीम की जितनी फिल्में थी ना, और एम अशरफ जो होते थे वो शबाब करानी साहब के होते। सर्दी में छुप कर लिहाफों में किस्से सुनाया करेंगे। और इखलाक अहमद साहब मैं उनको मिला था ये 1989 में शेख जैद हॉस्पिटल में, और वो बीमार थे जब वहां पर मैं मिलने चला गया, मुझे पता चला अखबार में आया, मैं लाहौर ही गया हुआ था, अखबार में लिखा था कि आज ये दाखिल हो गए, इनकी तबीयत खराब होगी, इखलाक अहमद साहब कैंसर था, ब्लड कैंसर था, और अल्लाह जन्नत में जगह दे। बहुत ही नफीस इंसान थे, कितने नफीस इंसान थे वो। सारी आयतें जितनी भी वहां पे औरतें आ रही थी उनसे ना, वो कह रहे थे मुझे भी ये, वो कहते ये आयत पढ़ा करो कुरानी, ये आयत पढ़ा। बहुत ही उनकी वाइफ भी थी साथ, अल्लाह पाक मगफरत करे। नाजरीन ये गाना सुने, उनकी आवाज में वैसे भी दर्द था, वो जो दूसरे भी गाने उनके अच्छे, उन्होंने बहुत अच्छे गाने गाए थे, बहुत शरीफ इंसान थे। आएगी जब बहारों की फूलों की माला बुनेंगे। अगला गीत है ये, दिल बड़ा पागल है पीछा नहीं छोड़ेगा। ये दिल बड़ा पागल है पीछा नहीं छोड़ेगा। फिल्म का नाम है मियां बीवी और वो, और ये गाना आसिफ खान साहब और मुशर्रफ खान साहब पर फिल्माया गया है। ये दिल बड़ा पागल है
पीछा नहीं छोड़ूंगा। और जब ये फिल्म आई थी तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक्शन मूवीज करते करते बड़ी रोमांटिक सी और स्टोरी वाली फिल्म में आसिफ खान साहब ने काम किया, क्योंकि इस तरह होता था ना कि वज़ीर-ए-आज़म साहब या नदीम साहब एक्शन में आते हमें हैरानी होती थी कि एक्शन मूवीज में आ गए, ये स्टोरी वाली में आए, ये एक्शन यानी फाइट करने वाली फिल्मों में साथ के एक डिफरेंट किस्म का रोल था इनका, बहुत अच्छा रोल था। इससे पहले वो आ चुके थे नक्शे कदम में, नक्शे कदम लेकिन फील नहीं होने दिया कि ये एक्शन के ही रोल, क्योंकि नक्शे कदम 1978 की फिल्म है इकबाल अख्तर साहब की, और उसमें भी वही किरदार किया था आसिफ खान साहब ने, मोहम्मद अली साहब के बेटे का, बिगड़े हुए बेटे का, और नक्शे कदम पे चलते अपने बाप के, उसमें मोहम्मद अली बिगड़े हुए दिखाए थे और इसमें ये बिगड़े हुए होते हैं। हाँ। और इसमें फारूक और ये गाना जो सलीम शहजाद साहब की आवाज में बहुत ही अच्छा गाया उन्होंने, उन्होंने बहुत कम उन्होंने आवारा फिल्म में, आवारा फिल्म में गाए दो गाने, आवारा फिल्म में फिल्म में उनका गाना था वो प्यार की आस निगाहों से, वो अलाउद्दीन पे था वो पहला गाना, टाइटल सॉन्ग, टाइटल सॉन्ग था ना, तो वो भी बहुत अच्छा गाना था। इसके हदायतकार थे फारूक खान साहब, फारूक खान और मौसीकार अमजद बोबी साहब, अमजद बोबी साहब ने मौसीकी दी थी इसकी, बोबी साहब और बहुत अच्छी मौसीकी थी। अच्छा ये गाया भी बड़ी ऊंची लय में, जैसे मोहम्मद रफी साहब जैसे गाते थे, तुम बच के कहां जाओगे सनम। आसिफ खान साहब की कुछ फिल्में ऐसी भी है ना, मैं जिक्र करता चलूं कि अगर उनमें हीरोइन अच्छी मिलती ना हमें, आवारा में जैसे, आवारा में इसमें वो खुद ही बता रहे थे कि मुझे शबाब करानी भी रख रहे थे अच्छी फिल्म में, तो वो यादों की बरात, हालांकि वो भी रोमांटिक फिल्म थी, चार हीरोइन लेकिन उसमें कोई मशहूर नहीं, लेकिन शबाब करानवी साहब जैसे एक्टर वो डायरेक्टर उनको रखे, जब जब शबाब करानवी ने उनको ऑफर की थी उनको वो ऑफर कबूल करनी, वो कह रहे थे गलती होगी मैंने मुआवजा ज्यादा मांग लिया। शबाब करानवी साहब के फिल्म में तो लोग मुफ्त काम करने के लिए दौड़ते हैं, वो तो हीरो को कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। अगर जिन दिनों में फिल्म आई थी नजमा से नहीं थी, नहीं नजमा को नहीं नजमा का ये तो ज्यादा दौर में छोड़ गई, नजमा छोड़ गई थी, वो अच्छी लगती है इसमें नजमा साहबा, तो आसिफ खान साहब के साथ बहुत अच्छी थी, आसिफ खान साहब कहते भी थे कि नजमा बहुत अच्छी है। ये दिल बड़ा पागल है पीछा नहीं छोड़ेगा। नाजरीन अगला गाना है जिसके बोले हैं फूलों को देख देख कर शर्मा रहे हैं आप, फूलों को देख देख के शर्मा रहे हैं आप। नाजरीन ये गाना फिल्म बंद हुआ था बाबरा शरीफ साहब पर और गुलामुद्दीन साहब पर, खिलता हुआ गुलाब नजर आ रहे हैं आप। नाजरीन ये गाना गाया था मेहदी हसन खान साहब ने और ये फिल्म थी मेरा नाम है मोहब्बत, हम सब की पसंदीदा फिल्म थी। फूलों को देख देख के शर्मा रहे हैं आप। नाजरीन इस फिल्म के सारे इस फिल्म के आठ गाने थे, आठ के आठ सारे हिट गाने थे, अच्छे गाने थे, और लव स्टोरी पे ये फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। यही फिल्म देख के चाइना वालों ने इनके मुजस्मे बनाए, वहां पे 12 साल तक ये फिल्म चलती रही। नाजरीन ये गाना भी स्टेज पर है जैसे ठहरा है समा, और ये भी शादी होती है गुलामुद्दीन और बाबरा शरीफ साहब की, वहां पर ये गाना है। नाजरीन इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे शबाब करानी साहब थे और इसके जो मौसीकार थे एम अशरफ साहब। शबाब करानी साहब तो वैसे भी इस काम में बड़े माहिर थे, बहुत सांग सुनाने में और क्लोजअप लेने में, वो जैसे शायरी जैसे जैसे चलती ना, अगर आंखों का जिक्र हो रहा वो आंखों का क्लोज ले रहे, होठो का जिक्र हो रहा वो शबनम किया, जो भी हीरोइन होती थी उनके शब्द, अपना स्टाइल था फिल्म बनाने का, क्लोज अप से वो क्लोज खेलते थे बिल्कुल वो कैमरे से। गाना आया गाना यानी 20 मिनट पहले या 10 मिनट पहले गाने का वो इस फिल्म में भी काफी फिल्मों में, सहेली फिल्म में भी, जिस
जिस जो भी गाना आने लगता था जब वो फिल्म के सीन चल रहे होते उस गाने का म्यूजिक पहले स्टार्ट हो जाता था, बिल्कुल 5-10 मिनट पहले वो म्यूजिक स्टार्ट हो जाता था और बहुत ही मजा आता था। अच्छा बाकी और कितने गायककार हैं इंडिया पाकिस्तान, किसी ने इतना अच्छा उनका जब मुनफरिद किस्म का नहीं, अच्छा जब फिल्म के टाइटल चलते हैं गाने में से ही वो टाइटल उठाते हैं गाने में से, हाँ बिल्कुल जो गाना होता था ना फिल्म का, इसमें जो मेरा नाम मोहब्बत के टाइटल चलते हैं उसमें प्यासा कुएं के पास आता है, मैं हूँ मोहब्बत का प्यासा उसके टाइटल उसी का ये म्यूजिक चल रहा होता है टाइटल पर ना। नाजरीन ये गाना आप देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत गाना ये फिल्म बंद करवाया गुलामुद्दीन साहब ने और बाबर शरीफ साहब आई इनके साथ होती है। चेहरे से अपने रेशम आ चल हटा गए, देख इधर एक नजर रूठ के जाने वाले, देख इधर एक नजर रूठ के जाने वाले, बहुत ही खूबसूरत गाना बाबरा शरीफ और शायद साहब को सुनाया गया, बहुत खूबसूरत गाना है। दे देंगे जान और जान जान चाहे कभी आजमा ले, और इनियर साहब की आवाज में और फिल्म का नाम है बड़ा आदमी, बड़ा आदमी प्यार किया है करेंगे। नजीर अली की मौसीकी थी और उसके हिदायतकार थे शम्स चौधरी, शम्स चौधरी साहब ने दो फिल्में बनाई थी, इसके बाद बड़ा आदमी थी, दूसरी बदलते रिश्ते और बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई थी बदलते रिश्ते। देख इधर एक नजर रूठ के जाने वाले, और इसमें एक और गाना था जो मोहम्मद अली पे, हाँ वो आने वाली खुशियों का एहसास तो है हर इंसान के पास, यही एहसास तो है। नाजरीन ये गाना भी देख इधर एक नजर, ये शायद साहब ने बहुत अच्छा फिल्म बंद करवाया इनके साथ बाबर शरीफ साहब। नाजरीन ये गाना भी आप देखिएगा, प्यारी प्यारी आंखों में थोड़ा सा गजब तो होता है,